21 दिन में घर वापसी। बीजेपी में गए चंडीगढ़ के दो पार्षद आप में लौटे। मेयर चुनाव के बाद बदला था पाला। जी हां, आपको बता दें कि कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए चंडीगढ़ के तीन पार्षदों में से दो ने फिर से घर वापसी कर ली है। दोनों पार्षद फिर से आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। पूनम देवी, गुरचरण काला और नेहा मुसावत ने 18 फरवरी को बीजेपी का दामन थाम लिया था, जिनमें से पूनम और नेहा फिर से आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले ये तीनों पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए थे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद के साथ उनका पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि पार्षदों को पूर्ण मान सम्मान मिलेगा, उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। तीन पार्षदों के पाला बदलने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्षदों की संख्या नगर निगम में 20 से घटकर 17 रह गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मेयर चुनाव का फैसला इंडिया ब्लॉक के पक्ष में दिया था, जिससे बीजेपी को झटका लगा था, जिसके बाद वहां मेयर पद पर पहली बार इंडिया ब्लॉक का मेयर बना था। लेकिन पार्षदों का पाला बदलने का फायदा बीजेपी को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव में मिला था, जहां बीजेपी ने जीत हासिल की थी। गत 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हुआ था। इसमें कथित धांधली को लेकर कांग्रेस और आपकी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूरी चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी और बैलेट पेपर सील करने का निर्देश दिया था। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने मेयर चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर रहे अनिल मसीह को फटकार लगाई थी और कहा था, CCTV फुटेज से स्पष्ट है उन्होंने, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने मतपत्र को खराब किया, उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, ये लोकतंत्र का मजाक है, लोकतंत्र की हत्या है, हम आश्चर्यचकित हैं। 23 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सांसद किरण खेर के वोट डालने के बाद गिनती शुरू की गई। बीजेपी के पक्ष में 16 वोट पड़े थे, जबकि कांग्रेस और आप गठबंधन के पक्ष में 20 वोट पड़े थे, लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कथित रूप से उनके 8 वोट रद्द कर दिए और 16 पार्षदों के समर्थन वाली बीजेपी के जीत का ऐलान कर दिया। इसके बाद आप और कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। मेयर चुनाव के प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहे अनिल मसीह का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह बैलेट पेपर पर पेन चलाते हुए दिखे। इसी वीडियो को आप और कांग्रेस ने सबूत के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था। इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।